हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम स्प्राउट्स से एक नई रेसिपी बनाएंगे जो कि प्रोटीन से भरपूर है। एक चम्मच तेल में बड़ी ही आसानी से हम नई रेसिपी तैयार करेंगे। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को ये बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए हमें चाहिए एक बाउल स्प्राउट्स। स्प्राउट्स को हमने धो लिया है और पानी हटाकर अलग से रख लिया है। स्प्राउट्स को अब हम जार में डाल देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे एक कटा टमाटर, एक कटी हुई हरी मिर्च। टमाटर और हरी मिर्च को हमने बहुत बारीक चॉप नहीं करा है क्योंकि हमें इनका पेस्ट बनाना है। दो चम्मच सूजी, तीन चम्मच दही, हाफ स्पून चिली पाउडर, हाफ स्पून सॉल्ट और सभी चीज़ों को मिक्स करके हम एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। बैटर ना ज़्यादा पतला होगा ना भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा। बैटर अगर आपको गाढ़ा लग रहा हो तो इसमें 3-4 चम्मच पानी की ऐड करके मिक्स कर लीजिए। अब हम अप्पे का पैन लेंगे और ऑयल से ग्रीस कर देंगे। जब तक पैन गर्म हो रहा है तब तक हम अपने बैटर में हाफ चम्मच इनो डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारा बैटर लाइट हो जाएगा और अप्पे हमारे सॉफ्ट और जालीदार बनेंगे। अप्पे का पैन गर्म हो चुका है और अब हम राई और करी पत्ते से तड़का लगा देंगे। करी पत्ते का एक अपना अलग ही फ्लेवर होता है। हम एक एक स्पून बैटर अप्पे के सांचे में डालेंगे। गैस की फ्लेम हमारी पहले मीडियम तक रहेगी और फिर लो हो जाएगी। अब हम इसे ढककर 5 मिनट तक अब हम इसे पका लेंगे। 5 मिनट तक कुक होने के बाद ऊपर की लेयर ड्राई हो गई है। अब हम ऑयल से ग्रीस करके इन्हें पलट देंगे जिससे कि ये दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाए। गैस की फ्लेम को अभी हम मीडियम पे रखेंगे और 2 मिनट के बाद ही हम लो पे कर देंगे जिससे ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। 5 मिनट तक हम फिर से ढककर इन्हें पका लेंगे और उसके बाद में टूथपिक की हेल्प से हम चेक कर लेंगे कि अप्पे अंदर से अच्छे से कुक हुए हैं या नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों ही साइड से अब अच्छे से कुक हो गए हैं और मैंने टूथपिक से टेस्ट करके चेक कर लिया है कि ये अंदर से कुक हो गए हैं। तो सॉफ्ट और गर्मा गर्म अप्पे आप ब्रेकफास्ट और स्नैक्स कभी भी बनाकर इंस्टेंट खा सकते हैं। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएँ और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।